लक्ष्मी नगर क्षेत्र में प्लाट के रुपए के लेन देन को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे सहित हथियारों का जमकर प्रयोग हुआ। इस दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी लगते ही अस्पताल में एडिशनल एसपी टीएस बघेल और कोतवाली थाना प्रभारी एके सेसा पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे लक्ष्मी नगर क्षेत्र के हनुमान मंदिर चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच में प्लॉट के रुपए के लेन देन की बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष के घायलों ने बताया कि वह बैठे हुए थे और दूसरे पक्ष ने आकर उन पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों सगे भाई घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के घायलों का कहना है कि वह गाड़ी पर बैठे हुए थे, तभी उन पर पीछे से हमला कर दिया, इससे यह दोनों भाई भी घायल हो गए। इस दौरान हुए विवाद में एक पक्ष के संदीप भैरवे और दीपक भैरवे घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लखन चावले और संजय चावले घायल हो गए हैं। चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच प्लाट के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। लेकिन बात हुआ तो उम्मीद है की पैसे दे दो वापस 7,000 रूपए, पैसे वैसे नहीं है। अरे ऐसे बैठे थे हम तो, क्या मालूम पीछे से एकदम मार के मार दिए, दो भाई थे हम तो।